दून विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ये कॉन्क्लेव भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस योजना के तहत आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों और विश्वविद्यालयों की साझेदारी को बढ़ाना है। केंद्र सरकार के साइंटिस्ट और सीनियर एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि कॉन्क्लेव के माध्यम से एक और विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच तालमेल होगा, वहीं शोध करने में छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बीच को किस तरह से हम उसमें सामंजस्य करके इसकी पार्टनरशिप बढ़ाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि ये पहला प्रयास है और इसमें इंडस्ट्री से भी काफ़ी वाइस प्रेसिडेंट सीईओज भी आए हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके मार्फत इसके तत्वाधान में आगे जाकर कुछ नई हमारी परियोजनाएं बनेंगी, छात्रों को लाभ मिलेगा, कुछ जो टीचर्स यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं उनको इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। यही उद्देश्य भारत सरकार का भी है, उत्तराखंड सरकार का भी है। जो NRF बन रही है उसमें हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री एक साथ काम करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च के लिए, और इस कार्यक्रम की मेरी पूरी शुभकामना है। और वहीं इस संबंध में प्रख्यात उद्यमी सुरेश रामाचंद्रन ने कहा कि भारत आज मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केमिकल इंडस्ट्रीज में शोध की अत्यधिक जरूरत है। इस जरूरत को एकेडमिक और इंडस्ट्रीज को मिलकर पूरा कर सकते हैं। As India is going up on the manufacturing chain, as we go up the ladder in renewable energy, especially in segments like semiconductors, high-tech automotives, I think research and development is going to play a very key part, and according to me, that's where the industry academia collaboration is going to be very, very important.